इसमें दो दरवाजे एक्स्ट्रा है हाँ। और मैं आसानी से घुस सकता हूँ उसमें। यहाँ पे आप देखेंगे 360 डिग्री कैमरा आपको मिल जाता है। 64 हो है, कितना दुख हो गया सर को। आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है, ऑटो होल्ड इज गिवन, सीट वेंटिलेशन आपको ऑफर की गई है फ्रंट में दोनों सीट्स के लिए। हाँ, 2 इंच 2 इंच। फाइनली हम सब लोगों का वेट हो गया है ओवर। थार 5 डोर थार रॉक सब हमारे सामने है। ये अभी जो लॉन्च की गई है 3 कलर्स के दिखाए गए हैं। 1 इज दिस ब्लैक, एक आपके पीछे है व्हाइट, और फ्रंट में आप देखेंगे तो वहाँ पे रेड कलर खड़ा है हमारा। तो ये 3 कलर में आई है गाड़ी, बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रही है। बाकी बहुत सारी आपने रिव्यूज अभी दे नहीं सकती उसकी सुंदरता के बारे में, ब्यूटी के बारे में, कितनी मस्कुलर है नहीं है, वो सब बातें करेंगे हम लोग बाद में। बाकी टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं और अब इस गाड़ी को देखना शुरू करते हैं। सबसे मेन अट्रैक्शन है इसमें ये वाला डोर, जिसने जान कर रखी थी बहुत सारे लोगों की कि भैया परेशान हो गए पीछे कैसे जाएं, ये परेशानी हमारी दूर हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार को। इंटीरियर का फुल थीम ड्यूअल है आपका ब्लैक एंड व्हाइट के साथ। स्टेयरिंग की अगर बात करेंगे तो ये आपका लेदर रैप स्टेयरिंग है। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, 3 स्पोक स्टेयरिंग है ये। यहाँ पर आप कंट्रोल देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्रूज कंट्रोल दिया गया है, और इस साइड में हमें दिया गया है वॉइस कमांड वगैरह के लिए कंट्रोल है। फोन ऑपरेट आप अपना कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। और जो हमारा इंफोटेनमेंट है ये काफी बड़े साइज का और काफी बेटर है पहले से। यहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं लाइक दिस, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब है। अभी एप्पल कारप्ले इस पर दिखाई नहीं दे रहे, मे बी विद द अपडेट दे विल गिव यू। ये आपका वॉल्यूम कंट्रोल के लिए दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे 360 डिग्री कैमरा आपको मिल जाता है, बाकी आप फोन ऑपरेट कर सकते हैं। और ये आपका होम बटन है। एसी वेंट्स आपको कुछ इस टाइप से दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर फिनिश मिल जाती है। फर्दर नीचे की साइड मूव करेंगे तो आपको यह यूनिट काफी पहले जैसी दिखाई देने वाली है। एसी वेंट्स के लिए आपको यहाँ कंट्रोल दिया गया है, ये ब्लोअर के कंट्रोल है, बाकी यूनिट्स ये है। ये यूनिट पूरा नया है हमारा। यहाँ पर आपको ये 4x4 कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सीट वेंटिलेशन आपको ऑफर की गई है फ्रंट में दोनों सीट्स के लिए। नीचे आएंगे तो यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है, टाइप सी पोर्ट आपको दिया गया है, और आप यहाँ पर नोटिस करेंगे यू हैव दिस वायरलेस चार्जर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करेंगे तो आपको फुल ऑन डिजिटल है, और ये आपको XUV700 से इंस्पायर्ड लगने वाला है। और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसको नेविगेट करने के लिए आपको कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ पर। यहाँ पर 6-speed टॉर्क कन्वर्टर का यूज किया गया है, ये हमारा 4x4 के लिए है। आप यहाँ पे 4 लो, न्यूट्रल, 4 हाई एंड 2 हाई का यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको पहले प्रेस करना है न्यूट्रल पे लेके जाना, उसके बाद जो भी आपको करना है लो में तब यूज करना जब बहुत खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग कर रहे हो, अदरवाइज 4 हाई इज इनफ। पीछे आएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है, ऑटो होल्ड इज गिवन, ट्विन कप होल्डर आपको यहाँ पर दिया गया है, की यहाँ पर रखी है, की देख लीजिए, की हमारी सेम है जो हमारी नॉर्मल थार में आपको मिलती है, सेम की है। लॉक अनलॉक बूट ओपनिंग, और यहाँ पे आपका महिंद्रा का नया वाला लोगो है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। अच्छा, इस बार आपको इसको की से ऑपरेट नहीं करना, यू हैव दिस इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ओवर हियर। ओके, और आपको इस बार यहाँ पर हैंड रेस्ट मिल जाता है, और ये है आपका कुछ इस टाइप से थोड़ा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्पेस आपको दिया गया है। आगे की साइड में ग्लव बॉक्स में भी आपके पास जगह है, और ये ऊपर के साइड में आपके पास ग्रैब हैंडल है, क्योंकि आप बहुत खतरनाक ऑफ रोडिंग करेंगे तो आपके बहुत काम आने वाला है ये। ऊपर के साइड में पूरा व्हाइट का यूज किया गया है जो कार को काफी स्पेशियस बना रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर जो सीट्स हैं ये भी आपको व्हाइट कलर में दी गई है, और बाकी ग्रैब हैंडल आपको यहाँ दिया गया है। फ्रंट में आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच का यूज दिखाई देगा, यहाँ पे कार्बन फाइबर आपको बता चुकी हूँ, ये सारा हमारा प्लास्टिक का पार्ट है। ब्लैक पियानो फिनिश आपको थोड़ा सा इस पार्ट में दिखाई देता है, अदरवाइज आपको क्रोम सेगमेंट दिखाई दे जाएंगे कुछ कुछ जगह को हाईलाइट करने के लिए। ऊपर के साइड में आप देखेंगे यू हैव पैनोरामिक सनरूफ, यहाँ से आप इसको ऑपरेट करेंगे लाइक दिस। और पीछे देखिए, पीछे हमारे सर, यस रवि सर बैठे हैं, DDS के नाम से आप इनको जानते हैं। सर की हाइट सबको पता, भैया 7 फुट के हो सर या 8 फुट के हो? 10 फुट का हूं। अभी के लिए 6 फुट 4 इंच का हूं। 6.5 फुट के हो अप्रोक्सीमेटली? 2 इंच का हूं। अच्छा सर, अप्रोक्सीमेटली 6'3" है? 6'4" हो है, कितना दुख हो गया सर को। चलिए सर की हाइट 6'4" है, आप देख सकते हैं इतनी जगह सर के पास है। कितना स्पेस है सर? 3 इंच। हाँ, 2 इंच 2 इंच राइट, और लग रहा है मतलब अच्छा है, उसको बंद करने के बावजूद भी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। अच्छा स्पेस मिल जाता है ना, कार ठीक है यार, है ना, नॉट बैड। 5 सीटर थार आपका दिल खुश करेगी नहीं करेगी वो हम आपको ड्राइव में बताएंगे। बाकी गाड़ी में क्या क्या ऑफर करा जा रहा है वो आपको बता दें, अभी ओपिनियन नहीं दे सकते ना, कल देंगे, कल नहीं मतलब जिस दिन एम्बार्गो हटेगा 17 तारीख को बताएंगे। अदरवाइज गाड़ी में दिया क्या क्या वो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। अच्छा ये नहीं दिखाया मैंने आपको, इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM आपको यहाँ पे मिल जाता है।
जाते जाते एक और चीज देख लो, डोर देख लो, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं। हार्मनियन गार्डन का म्यूजिक सिस्टम यूज किया गया है। पावर विंडो है हमारे पास सारी, जो ड्राइवर वाली है दैट इज विद सिंगल टच अप एंड डाउन। ORVM कंट्रोल यहाँ है और बाकी नीचे के साइड में बॉटल होल्डर के लिए जगह है। ये स्पीकर है, ये ट्विटर है छोटा सा। आप बताओ सर मैंने क्या मिस किया, जल्दी बताओ। इन्होंने ये मिस किया कि इसमें दो दरवाजे एक्स्ट्रा है, हाँ। और मैं आसानी से घुस सकता हूँ उसमें, और इधर भी जो है सॉफ्ट टच दिया हुआ है, स्टिचिंग दी हुई है व्हाइट कलर की, और व्हाइट कलर की सीटें दी हुई है जो कि गंदी हो जाएंगी। कोई नहीं, हम साफ कर लेंगे। नहीं दे रहा हूं। हम साफ कर लेंगे ना भाई, थार लवर सब कुछ करेंगे। दो हैं क्या? हाँ, हैंड रेस्ट दे दिया हमें। वाओ, काटा क्यों है यार? ये डिजाइन है यार, ये डिजाइन है, समझा करो, डिजाइन है सर। मैं सोच रहा था कि यार बंटवारा हो गया ड्राइवर और को पैसेंजर का, अलग अलग मिल जाएगा। नहीं, वो सिंगल ही है। चलिए, अच्छा हैंड ब्रेक हमारे पास इस बार इलेक्ट्रॉनिक है। चलिए अब चलते हैं पीछे, सर को भेजते हैं आगे। जी, अब DDS सर को हमने भेजा है थोड़ी देर के लिए बाहर। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरे को कैसी लग रही है ये गाड़ी। ओपिनियन सॉरी नहीं दे सकते। एज पर सर, अब उन्होंने बताया उनकी बहुत अच्छी खासी हाइट है, बहुत ज्यादा स्पेस मिलता है। मेरी हाइट तो जस्ट 5'5" है, तो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा स्पेस है। यहाँ पर आपको यहाँ पर AC वेंट्स दिए गए हैं, एक यहाँ पर नीचे के साइड में टाइप सी पोर्ट आपको मिल जाता है। बाकी सीट्स की डिजाइनिंग आपको कुछ ऐसी मिलती है, वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलती है। आपको बता चुकी हूँ मैं, फ्रंट में दोनों आपकी वेंटिलेटेड सीट है टॉप स्पेक्स के अंदर। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट आपको दिया गया है फॉर योर सेफ्टी। बाकी डोर के अंदर हमें डोर हैंडल दिया गया है, और ये हमारी पावर विंडो कंट्रोल है। इस बार वो बीच वाला सिस्टम हटा दिया गया है, सारे कंट्रोल्स आपको हर सीट के साथ मिल जाते हैं। सबसे मेन अट्रैक्शन, इसको खोलेंगे कैसे? इसको खोलेंगे हम यहाँ से। वाओ, अभी इसका बूट स्पेस एग्जैक्टली बताया नहीं है महिंद्रा ने, लेकिन यस काफी बड़ा लग रहा है ये। लाइट्स अगर देखेंगे तो आपको LED टेल लैम्प सेटअप दिया गया है, लाइट्स को चेंज किया गया है, स्मार्ट लग रही है। नीचे की साइड में आप देखेंगे तो आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, और जो हमारी बूट है वो आपको जैसे पहले बंद होती थी ना, उसी टाइप से बंद होगी। पहले ये वाला पार्ट और उसके बाद हमारा ये वाला पार्ट। डिफॉगर आपके पास है, वाइपर भी आपके पास है अंदर की तरफ। ये हमारा स्पेयर व्हील है। स्पेयर व्हील के साइज की अगर बात करेंगे तो इसका साइज है आपका 255/60R19, मींस आपको यह सेम साइज का दिया गया है विद अलॉय, तो कोई कॉस्ट कटिंग नहीं किया महिंद्रा ने यहाँ पर। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक मेंशन किया गया, ये गाड़ी आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों में मिलने वाली है। आप इसको की से ऑपरेट करेंगे यहाँ से। बैक साइड में आपका कैमरा दिया गया है यहाँ पर। नीचे के साइड में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, दो पार्किंग सेंसर्स आपको बैक साइड में दिए गए हैं। कार के साइड प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, साइड से जो हमारी कार है वो आपको ब्रॉड क्लैडिंग के साथ मिलती है, और ये आपको मैट फिनिश में दिया गया है। एलॉय व्हील्स जो यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, इसका साइज है आपका 19 इंच। ओवरऑल प्रोफाइल की अगर मैं बात करूंगी तो इट इज 255/60R19। फ्यूल टैंक आपको यहाँ दिया गया है। टैंक कैपेसिटी अभी रिवील नहीं की गई है। माइलेज भी आपको मैं जब ड्राइव पे गाड़ी को लेके जाऊंगी तो आपको बताने वाली हूँ। ऊपर वाला पार्ट आप देखेंगे तो ये आपका इस बार बॉडी का ही पार्ट है, ये अलग से नहीं बनाया गया जैसे हमने प्रीवियस थार में देखा है। अच्छा, अभी थार के लिए ना यहाँ पे ससुराल सिमर के आपके नाम विवान, माय नेम इज करण शर्मा, अदरवाइज ससुराल सिमर का सीजन 2 में आप लोगों ने मुझे विवान ओसवाल के नाम से जाना है और बहुत प्यार दिया है। फ्रंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रंट में जैसे बॉक्सी स्टाइल में हमारी कार फेमस है, ऐसे ही आपको बॉक्सी पैटर्न में ग्रिल दी गई है। LED DRL आपको मिल जाती है, LED हेडलैम्प आपके पास है, LED फॉग लैम्प आपको मिल जाते हैं, एंड LED टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं। सब चीज़ों की डिजाइनिंग पहले से बिल्कुल बदल दी गई है, बहुत डिफरेंट गाड़ी आपको लगने वाली है। इनफैक्ट ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये आपको सेम लगने वाला है, इसको नहीं बदला है महिंद्रा ने, ये वही हमें करना पड़ेगा मेहनत वाला काम इस हुड को खोलने के लिए। यहाँ पर फर्दर नीचे की साइड आप देखेंगे तो ये बहुत ब्रॉड आपको लोअर बम्पर पार्ट दिखाई देता है, काफ़ी कार के अंदर। अरे यार, मैं अपना आपको व्यू नहीं शेयर कर सकती, मतलब ये आपको बहुत ब्रॉड सा नीचे वाला लोअर बम्पर पार्ट दिया गया है। और कुछ मिस किया मैंने? यस, यू हैव Level 2 ADAS दिस टाइम, और इसकी हेल्प से आपको कोलिजन कंट्रोल वार्निंग मिल जाएगी, आपको लेन असिस्ट मिल जाएगा, आपको अडेप्टिव क्रूज मिल जाएगा, एंड देर आर सो मैनी जो मैं आपको ड्राइव के टाइम पर टेस्ट करते करते बताऊंगी। ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड। कुछ मिस हुआ होगा तो उसको ड्राइव में गाड़ी को चलाते चलाते बताना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, चलिए बाय। कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो आपको गाड़ी में बैठ के बताऊंगी। यार मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है इसके बैक सीट पे बैठने का। सीट्स आर रियली कम्फर्टेबल है, नहीं वो भी बाद में बताऊंगी।
यार बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रियली सॉरी। अच्छा, इसका जो प्राइस है, जो बेस वेरिएंट है इसमें, इसका प्राइस आपका लाया गया है पेट्रोल में इट इज 12.9, और अगर डीजल में लेंगे तो इट इज 13.99। बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्राइस पे इसको लॉन्च किया गया है। अगर फीचर्स की बात करेंगे कि आपको बेस वेरिएंट में मिलता क्या क्या है, आपको बेस वेरिएंट में बहुत सारी चीज़ें ऑफर की गई है, लिस्ट इज दिस। सेफ्टी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 6 एयर बैग्स मिलने वाले हैं, आपके पास ABS है, EBD है, ESP है, ADAS लेवल 2 है, आपको बता चुकी हूँ मैं। कंपनी ने इंजन के ऊपर अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, तो वो भी मैं आपको ड्राइव के टाइम पर बताऊँगी। अभी मोटा मोटा गाड़ी को देख लो, अपना मूड बना लो। वैसे मुझे लगता है कि सीरियसली ऐसा प्रोडक्ट है, वर्थ वेटिंग है, ख़रीदने लायक चीज़ है। देखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, बाकी चलाने में क्या मज़ा आता है नहीं आता है वो आपको मैं 17th को कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगी। अदरवाइज आप कमेंट में मुझे बताओ कि गाड़ी ने तुम्हारा दिल कितना खुश किया है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करेंगे, बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।